थैंक यू यूट्यूब टू फॉर आस्किंग मी अबाउट माई हेल्थ वाया द ईमेल. ड्यू टू द COVID-19 पॉजिटिव इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक द वीडियो बट नाउ आई एम फाइन. सो अगेन थैंक यू यूट्यूब टीम. ओके नाउ वी विल स्टडी टूडे दैट लेसन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू वॉट डू मीन बाय द ट्रिग्नोमेट्री एंड हाउ वी विल एक्सप्लेन इट. आई विल एक्सप्लेन इट अबाउट दिस रेशियो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल. ऑलवेज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी विल सी दैट देर इज एन राइट एंगल ट्रायंगल. ओके इट इज एन 90° एंगल एंड दिस एंगल इज एन 30°. ओके दिस अपोजिट ऑफ दिस थीटा इट इज एन अपोजिट साइड. दिस इज एन एडजेसेंट साइड एंड दिस इज एन हाइपोटेनस. नाउ वी विल बेसिक कंसेप्ट वी विल स्टडी हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू द फ्यू बेसिक कंसेप्ट अबाउट इट. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू नंबर 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/ कोसेक थीटा और अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. ओके सेकेंड इट इज एन कॉस थीटा. ओके डू यू अंडरस्टैंड दिस. कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/ सेक थीटा और एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. अंडरस्टैंड. थर्ड पॉइंट इट इज एन सेक थीटा इज इक्वल टू 1/ कॉस थीटा. फोर्थ पॉइंट इट इज एन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/ साइन थीटा. फिफ्थ इट इज टेन थीटा इज इक्वल टू 1/ कॉट थीटा. सिक्स्थ इट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/ टेन थीटा. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. आई विल एक्सप्लेन यू द 6 बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री. और नेक्स्ट इट इज एन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. सेकेंड पॉइंट और सेकेंड नंबर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 - थीटा. थर्ड कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 - थीटा. एंड फोर्थ टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 90 - थीटा इज इक्वल टू 1. ओके इज इक्वल टू 1. अंडरस्टैंड दिस. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. फर्स्ट वॉट इज दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. फर्स्ट इट इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1. सेकेंड 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर थीटा. नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा और सेकेंड स्क्वेयर थीटा. ओके नाउ देर आर ऑल्सो अनदर 3 आइडेंटिटीज बट दिस 3 वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज विच इज यूज इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके वाइल सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम. नेक्स्ट इट इज एन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. कॉस थीटा माइनस secant theta is equal to 1. tan theta minus multiplied by cot theta is equal to 1. sin theta multiplied by cosec theta 1. cos theta multiplied by secant theta 1. tan theta multiplied by cot theta 1. Understand student? Now next I have drawn the table which is used for solving the keep in mind. Okay, what it is. First I will explain you that what these ratios are. I have written this sin theta or these are the angles. See 0°, 30°, 45°, 60°, 90°. Sin 0 is equal to 0. Sin 30 is equal to 1/2. Sin 45 is equal to 1/√2. Sin 60 is equal to √3/2. And sin 90 is equal to 1. Understand? Sin 90 is equal to 1. Now you will see that opposite of this cos it is. Cos 0° means 90° here is 1. Cos 30° opposite of here, see √3/2. Cos 45 same. Cos 60, see here opposite of this 1/2. See cos 60 1/2 and cos 90 0. When we learn this sin 30 from this, again the cos will become here opposite side. Okay, see 0 0, 1/2 1/2, 1/√2, 1/√3, √3/2, √3/2, 1 1. Understand? Now next 10 0 0, 10 30, 1/√3, 10 45, 1, 10 60, √3, 10 90, not defined. Next it is in cosec theta. Cosec theta, cosec 0° is equal to not defined. Cosec 30° is equal to 2.
cosec 45 is equal to root 2, cosec 60 is equal to 2 upon root 3, cosec 90 is equal to 1. Okay, next, sec theta is equal to 1, sec 30 is equal to 2 upon root 3, sec 45 is equal to root 2, sec 60 is equal to 2, and sec 90 is equal to not defined. Next, it is an cot theta. Cot theta or cot 0 degrees is not defined. Cos 30 is equal to 1 upon only root 3, cos 45 is equal to 1, cos 60 is equal to 1 upon root 3, and cos 90 is equal to 0. Understand this? You can learn these three, first three by heart, which sine, cos, and tan. Other you can get from opposite this. For example, like sine theta is equal to 1 upon cosec theta means 0 upon 1 means not defined. Sine 30 degree is equal to sine upon 1 upon cosec theta means 1 upon 2 upon 1 is equal to only 2. Finish in this way. Next, it is an angle of elevation and angle of depression. Angle of elevation means what? We have to draw this horizontal line. When the person is seeing from downward to the upward, then the angle created is called as an angle of elevation, and this is called as a line of vision. This is called as an angle of an elevation. Next, when a person is at the top and this is an horizontal line and it is seeing downward, okay, then this called as an angle of a depression. This is called as an angle of line of vision. Understand, student? Okay, thank you.